बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर ये कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कहा कुछ, आप ही ने कहा था सरकार बनाई बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है क्यों, तू जो भी पूछे मैं उसका उत्तर दू। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की फाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया, मैंने दी थी और अब नहीं देता कर ले क्या करेगा, चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना, स्वामी जी बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पिन आई न्यूज। योग गुरु बाबा रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में वो पेट्रोल की कीमतों को लेकर सवाल पूछने पर एक पत्रकार पर बुरी तरह से भड़कते नजर आ रहे हैं। दरअसल करनाल में एक पत्रकार ने बाबा रामदेव से पेट्रोल की कीमतों को लेकर दिए गए उनके पुराने बयान के बारे में पूछा था। पत्रकार की यह बात रामदेव को पसंद नहीं आई और वो भड़क गए। रामदेव ने पत्रकार को चुप हो जाने की हिदायत भी दी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। आपको बताते चलें कि रामदेव वीडियो में भड़कते हुए कहते दिख रहे हैं, क्या पूछ उखाड़ लेगा मेरी, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने का कोई ठेका ले रखा है क्या मैंने, कर ले क्या कर लेगा, चुप हो जा, आगे कुछ पूछेगा तो ठीक नहीं। रामदेव के इस वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। बाबा रामदेव ने पेट्रोल को लेकर अपने पुराने बयान में कहा था कि जनता को ऐसी सरकार पर विचार करना चाहिए जो 40 रुपए पेट्रोल और 300 रुपए में रसोई गैस की सप्लाई सुनिश्चित कर सके। करनाल में पत्रकार ने उनकी इसी बयान को आधार बनाकर सवाल किया था। आपको यह भी बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गुरुवार को एक बार फिर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पिछले 10 दिनों में कुल 6.40 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से जारी मूल्य संबंधी अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 के प्लस हो चुकी है। ऐसे में अब नेताओं से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सही और सटीक जवाब दे सके। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जनता को ये महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल की जो मार है कब तक सहनी पड़ेगी, इसका कोई अता पता नहीं है। और अगर पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं या तो उन पर FIR दर्ज की जाती है या फिर उन्हें धमकी दी जाती है। अब देखना ये होगा कि बाबा रामदेव इस पर क्या सफाई देते हैं। देखना ये भी होगा कि आखिर बाबा रामदेव ने इस बयान को देने से पहले कुछ सोचा समझा क्यों नहीं, क्योंकि यही बाबा रामदेव कहते थे कि काला धन आएगा तो 30 रुपए पेट्रोल डीजल मिलेंगे। खैर देखते हैं कि आगे होता क्या है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, स्पिन आई न्यूज़।